फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रंजीत सिंह वंस अगेन विद यू। आज हमारा जो लेक्चर है वह है जॉफरी चौसर के ऊपर, और ये लेक्चर मैं आपके साथ हिंदी में डील करूँगा। जॉफरी चौसर आप जानते हैं, ही वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड ऑथर, और जिन्हें मिडिल एजेस का ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट कंसीडर किया जाता है, और उनकी जो सबसे फेवरेट रचना है फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इज द कैंटरबरी टेल्स। जॉफरी चौसर की पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या अल्टरनेटिवली फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। जॉफरी चौसर का जन्म 1340s में हुआ था। हालांकि द प्रिसाइज डेट एंड लोकेशन इज अननोन, बट इवन देन उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो लंदन इंग्लैंड को कंसिडर किया जाता है। जॉफरी चौसर ही वॉज एन इंग्लिश ऑथर, पोइट, फिलोसफर, ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट एट्सेट्रा। ये एक छोटी सी समरी है उनकी लाइफ की कि उनकी वाइफ का नाम फिलिप्पा रॉइट था, उनकी मैरिज 1366 में हुई थी, और फादर का नाम जॉन चौसर और मदर का नाम एग्नेस था। जॉफरी चौसर वॉज द फर्स्ट राइटर हु वॉज बरीड इन पोइट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर एबी। आप सब जानते हैं कि जितने भी पॉपुलर पोइट्स हैं, शेक्सपियर, जॉफरी चौसर, इन सब को वेस्टमिंस्टर एबी, जो कि एक चर्च है लंदन में, उसमें एक पोइट्स कॉर्नर है बना हुआ, वहाँ पर सभी लोगों को डेथ के बाद दफनाया गया है। वहाँ पर दफनाया जाने वाला सबसे पहला जो पोइट है ही वॉज जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर ने जितने भी सारी वर्क्स लिखे हैं वो मिडिल इंग्लिश में लिखे हैं। ये वो समय था जब इंग्लैंड में फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, और सारे लिटरेरी वर्क्स मोस्टली इन्हीं लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे। ऐसे समय में जॉफरी चौसर ने मिडिल इंग्लिश को लेस्टिमाइट किया और उसे उसी लैंग्वेज में अपने सारे वर्क्स को लिखा है। अब हम चौसर की टाइमलाइन, उनकी लाइफ में जैसे जैसे घटनाएँ हैं, जो इम्पोर्टेंट घटनाएँ हैं, उनको जानते हैं। हिज फादर एंड ग्रैंड फादर वर बोथ लंदन विंटर्स। ये जो लंदन विंटर्स है, ये इट रिफर्स टू वाइन मेकर। उनके परिवार वाले, उनका जो बिजनेस था वो वाइन मेकिंग था। एंड सेवरल प्रीवियस जनरेशन हैड बीन मर्चेंट्स, और उनके जो दादा परदादा सारे लोग थे वो लंदन में एक प्लेस है इप्सविच, वहाँ पर मर्चेंट्स थे और लंबे समय से वहीं रह रहे थे। जो जॉफरी चौसर का सरनेम है, चौसर लगा हुआ, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है शूट मेकर। तो ये क्लियर हो जाता है कि जॉफरी चौसर के जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे केम फ्रॉम वेल ऑफ फैमिलीज, दे वर क्वाइट रिच। इन 1359 चौसर ज्वाइंड द आर्मी। जब एडवर्ड थर्ड किंग रहते हैं उस समय चौसर आर्मी ज्वाइन करते हैं, और उनके साथ फ्रांस के इन्वेजन, जो लड़ाई होती है फ्रांस के साथ उस समय, 100 ईयर्स वॉर चल रहा था, उसमें साथ जाते हैं। चौसर फाइट्स इन द इंग्लिश आर्मी की तरफ से फाइट करते हैं। इन 1360 चौसर वॉज कैप्चर्ड ड्यूरिंग द सीज ऑफ रेम्स। जब रेम्स की लड़ाई होती है उसमें चौसर को बंदी बना लिया जाता है, और किंग एडवर्ड बाद में 16 पॉन्स देकर इनको छुड़ा लेते हैं। इन 1366 जॉफरी चौसर मैरी फिलिप्पा डी रोइट। इसके बाद जॉफरी चौसर लॉ की स्टडी करते हैं इन द इनर टेम्पल, और ऑन June 20, 1367 ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ द रॉयल कोर्ट एज अ बैलेट किंग एडवर्ड थर्ड। रॉयल कोर्ट के मेंबर बन जाते हैं। इन 1369 चौसर बिगिन वर्क ऑन द बुक ऑफ डचेस, और जानते हैं बहुत अच्छे से कि द बुक ऑफ डचेस एक एलिजी है, जो कि ब्लैंच ऑफ लैंकेस्टर, जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी, उनके मर जाने पर लिखी गई थी, और जॉन ऑफ गॉन चौसर के पैटर्न रहते हैं। इन 1373 चौसर ट्रेवल टू इटली। इटली के दो शहर रहते हैं, जिनोवा एंड फ्लोरेंस, वहाँ जाते हैं। एंड यू मस्ट बी नोइंग वेरी वेल दैट फ्लोरेंस इज द होम ऑफ रानीशा इन इटली। इटली जाकर चौसर ने ही रेड इटालियन मेडिवल पोइट्री, और जिसका इन्फ्लुएंस चौसर की पोइट्री में देखने को मिलता है,
बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जब वो इटालियन ट्रिप पे गए थे तो वहाँ उनकी मुलाकात पेट्रार्क से और लुकेसियो से भी हुई थी। और इन्हीं दोनों राइटर्स ने चौसर को इंट्रोड्यूस किया मिडिवल इटालियन पोइट्री के बारे में। ऑन जून 8, 1374 चौसर वॉज अपॉइंटेड टू द ल्यूक्रेटिव जॉब, काफी पैसा कमाने वाली जॉब थी, कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स, और जो कि पोर्ट ऑफ लंदन वहां पर उन्हें जॉब मिली। इन द 12 ईयर्स ड्यूरिंग विच ही हैड दिस पोजिशन, 12 ईयर्स तक इस पोजिशन पे रहे और यहाँ उन्होंने काफ़ी सारे अपने पोएट्रिक वर्क्स को लिखा। इन 1377 किंग एडवर्ड थर्ड डाइड और उनका ग्रैंड सन रिचर्ड सेकेंड वो सिंहासन पर बैठते हैं। और ये रिचर्ड सेकेंड जो थे ही वॉज द नेफ्यू ऑफ चौसर्स पॉलिटिकल पैटर्न। मैंने जो बताया आपको पहले कि चौसर के पॉलिटिकल पैटर्न जो जॉन ऑफ गॉन्ट थे उनके ये नेफ्यू थे रिचर्ड सेकेंड। अब चौसर के लिए गुड न्यूज थी उनके कैरियर के लिए। इन 1370 चौसर कंप्लीटेड हिज सेकेंड टूर इन द इंग्लिश आर्मी आफ्टर स्पेंडिंग 1 ईयर फाइटिंग इन फ्रांस अंडर जॉन ऑफ गॉन्ट। इन 1379 चौसर बिगेन द हाउस ऑफ फेम, जो कि एक बहुत पॉपुलर पोएम है, 2000+ लाइन्स हैं इसमें। इट डिस्क्राइब्स अ विजन ही रिसीव्ड इन अ ड्रीम, ये एक ड्रीम विजन के बारे में पोएम है। एंड दिस पोइम वॉज कंप्लीटेड द नेक्स्ट ईयर। ऑन May 4, 1380 चौसर अपियर्ड इन अ लीगल डॉक्यूमेंट इन कनेक्शन विद द रेप्टस, उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर होता है जो कि रेप और किडनैपिंग जैसा रहता है। हालांकि ये मैटर जो था बहुत जल्दी ही रिजॉल्व कर दिया गया था, कुछ पैसा इसके बदले में दिया जाता है और इस मैटर का जिक्र बाद में कहीं किसी भी बुक में किसी भी रिकॉर्ड में नहीं मिलता है, जिससे कि चौसर की रेपुटेशन खराब नहीं हुई होती, क्लियर हो जाता है। इन 1382 चौसर कंपोज द 700 लाइन पोएम पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये पार्लियामेंट ऑफ फूल्स नहीं है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है। अराउंड दिस टाइम चौसर ऑल्सो बिगेन ऑन द एपिक पोएम ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे, और बहुत सारे स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे वॉज कंपोज बिटवीन 1380 टू 1383। इन 1385 चौसर टुक अ 4 ईयर पोजिशन, उन्हें जस्टिस ऑफ पीस बना दिया जाता है। 1386 में जॉफ्री चौसर रिजाइन कर देते हैं कंट्रोलर वाली पोस्ट से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, और जो लंदन का एरिया है कैंट उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पर उन्होंने वर्क स्टार्ट किया द लेजेंड ऑफ गुड वीमन, अ पोइम कंप्लीटेड बिटवीन 1386 टू 1388। 1387 में फिलिपा चौसर, जॉफ्री चौसर वाइफ, शी डाइज। इन 1388 चौसर बिगेन वर्क ऑन हिज मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स। ऑन July 12, 1389 चौसर वॉज अपॉइंटेड क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क्स, उन्हें क्लर्क अपॉइंट कर दिया जाता है। किंग के सारे जितने बिल्डिंग के वर्क्स रहते हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्क्स रहते हैं, वो उन्हीं के सुपरविजन में होते हैं। इन दिस कैपेसिटी ही ओवर शॉ जॉब्स एट द टॉवर ऑफ लंदन, टॉवर ऑफ लंदन बनवाया, वेस्टमिंस्टर पैलेस बनवाया, विंडसर कासल, पर कई सारी पॉपुलर बिल्डिंग्स जॉफ्री चौसर के सुपरविजन में बनी। इन September 1390 चौसर वॉज रॉब्ड वाइल एट वर्क, इनको लूट लिया जाता है। इन June 1391 चौसर लेफ्ट द किंग्स वर्क्स जॉब, इस जॉब को छोड़ दिया और वो डेप्यूटी फॉरेस्टर के रूप में काम करने लगते हैं। एज द एंड ऑफ 1390s अप्रोचेस चौसर कंप्लीटेड द वर्क द कैंटरबरी टेल्स, उनका ये जो सबसे पॉपुलर वर्क है द कैंटरबरी टेल्स वो कंप्लीट हो जाता है। चौसर डाइड ऑफ अननोन कॉजेस ऑन 25 अक्टूबर 1400। ऑल दो द ओनली एविडेंस फॉर दिस डेट कम्स फ्रॉम द इनग्रेविंग ऑन हिज टॉम, उनकी टॉम पर जो लिखी हुई डेट है वहीं से ये डेट ली गई है, विच वॉज इरेक्टेड मोर देन 100 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। और आप जानते हैं कि उनकी मौत के बाद में उनकी ग्रेव को वहाँ से उखाड़ कर और पोइट्स कॉर्नर में ले जाया जाता है, वहाँ उनको दफनाया जाता है। ये घटना 1556 की है जब चौसर के रिमेन्स को मूव किया गया था वेस्टमिंस्टर एबी और पोइट्स कॉर्नर में, इसीलिए पोइट्स कॉर्नर में रेस्ट करने वाले फर्स्ट पोइट हैं जॉफ्री चौसर। और ये पोइट्स कॉर्नर जो है वेस्टमिंस्टर एबी में, दिस प्लेस इज रिजर्व फॉर राइटर्स ऑथर्स।
एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जॉन ऑफ गॉन्ट ही वॉज द पैटर्न ऑफ जॉफरी चाउसर, और वो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे। और जॉन ऑफ गॉन्ट ड्यूक थे लैंकेस्टर के, और हेनरी फोर्थ के फादर थे। हेनरी फोर्थ जो बाद में राजा बनते हैं उनके फादर थे। एंड ही सर्व अंडर लैंकेस्टर्स पैट्रोनेज। जॉफरी चाउसर ने बहुत काम किया। एक रिलेशन था लैंकेस्टर के बीच में, जॉन ऑफ गॉन्ट और चौसर के बीच में। ये था कि वो दोनों ब्रदर इन लॉ थे। जब चौसर की मैरिज होती है फिलिपा के साथ 1366 में, और लैंकेस्टर की मैरिज होती है फिलिपा की सिस्टर कैथरीन के साथ 1396 में, तो दे बिकम द रिलेटिव्स, ब्रदर इन लॉज। ये कुछ पॉपुलर वर्क्स हैं जॉफरी चाउसर के, इनकी लिस्ट यहाँ पर है। जो प्रिंसिपल पोएटिक वर्क्स थे उनमें है द बुक ऑफ डचेस, वायलेंस इन क्रेसिडी, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन, द कैंटरबरी टेल्स। कुछ शॉर्ट पोइम्स हैं जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। एन ए बी सी, द कंप्लेन ऑफ जुपिटी, द कंप्लेन ऑफ चौसर टू हिज पर्स, द कंप्लेन ऑफ मार्स, द कंप्लेन ऑफ वीनस, द कंप्लेन टू हिज लेडी, द फॉर्मर इज फॉर्च्यून एटसेट्रा। आप वीडियो पॉज करके इन सबको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स भी थे जो कि ट्रांसलेशन के रूप में थे, उनके नाम यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं जॉफरी चाउसर के पोइटिक क्रिएशंस के बारे में। जॉफरी चाउसर का जो पोइटिक कैरियर है वो लगभग 30 ईयर्स का था, और हम स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए जितने भी क्रिटिक्स हैं वो चौसर के पोइटिक करियर को 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। और ये जो डिवीज़न है 3 स्टेजेस का, 3 पीरियड्स का, ये इन्फ्लुएंस को शो करता है क्योंकि किस एज में, किस पीरियड में, किस लिटरेचर का इन्फ्लुएंस जॉफरी चौसर की राइटिंग्स पर था, इसके हिसाब से पीरियड्स बांटे जाते हैं। जो सबसे पहला पीरियड है वो है द फ्रेंच पीरियड। दिस शोज द बिगिनिंग ऑफ चौसर्स लिटरेरी कैरियर। यहां पर जब जॉफरी चौसर ने शुरुआत की थी राइटिंग की, तो ही बिगेन एज अ ट्रांसलेटर। उनकी बहुत सारी पोइम्स दे आर टेकन फ्रॉम द फ्रेंच लिटरेचर। और ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, जब वो सीख रहे थे बहुत सारी चीजें, इसीलिए इस पीरियड को फ्रेंच पीरियड कहा जाता है। इनमें उनकी बहुत पॉपुलर पोइम्स हैं कुछ, जैसे रोमन डीला रोज, ये एक बहुत इलेबोरेट लव एलिगरी है। इट्स अ लेंदी ट्रांसलेशन दैट रन्स इनटू 8,000 लाइन्स और कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग डिस्कोर्स ऑन द ड्रॉबैक्स ऑफ मैरिज एंड द फ्रेलिटीज ऑफ वीमन। ये इनकी थीम है इस पोइम की। द रोमेंस ऑफ द रोज इज अ मेडिवल फ्रेंच पोइम, ये चौसर से पहले भी लिखी जा चुकी थी फ्रांस में। एक फ्रेंच पोइट थे जिनका नाम था गिलेम डी लॉरेस, इन्हीं ने इस द रोमन डी ला रोज को लिखा था फर्स्ट टाइम फ्रेंच लैंग्वेज में, जो कि 1230 के अराउंड लिखी गई थी। दूसरी पॉपुलर बुक है फ्रेंच पीरियड की ही, द बुक ऑफ द डचेस। इट वॉज रिटन अराउंड 1369 और दिस इज चाउसर्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोइम दैट वॉज प्रीडोमिनेंटली ओरिजिनल। चाउसर रोट दिस एलिजी द बुक ऑफ डचेस, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ की डेथ पर लिखी गई थी। और इस लिटरेरी वैल्यू लाइज चीफली इन द कमांड इट शोज ओवर द ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है जिसमें पोइट्री की एक लाइन में 8 सिलेबल्स होते हैं। चौसर इन दिस पीरियड कल्टिवेटेड एन एलिगोरिकल स्टाइल। ही लर्न फ्रॉम फ्रेंच पोइट्री द चार्म ऑफ फ्लुएंट सिंप्लिसिटी, कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्ड्स एंड थॉट्स, कॉन्स्टेंट रेस्टिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड सटायर। इसीलिए बहुत सारा इन्फ्लुएंस था फ्रेंच पोइट्री का चौसर के ऊपर, इसीलिए इस पीरियड को फ्रेंच पीरियड कहा जाता है। जो नेक्स्ट पीरियड है जॉफरी चौसर की राइटिंग का, दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम इटालियन राइटिंग, इसीलिए इसे इटालियन पीरियड कहा जाता है। और ये एक्सपेंड करता है 1373 से 1385। चौसर्स इटालियन पीरियड इज कैरेक्टराइज बाई वैरायटी एंड न्यू टेक्निकल इनोवेशन इन हिज पोइट्री।
ड्यूरिंग हिज विजिट्स टू इटली, आपको पता है इटली में गए थे चौपरी चाउसर 73 के अराउंड, वहां पर उनकी मुलाकात बोकैसियो से और पेट्रार्क से हुई थी। जॉफरी चाउसर गॉट अ चांस देयर टू रीड दांतेज डिवाइन कॉमेडिया, पेट्रार्क सॉनेट्स एंड बोकैसियोज डेकामेरन। इटली में ही शॉ द डॉन ऑफ रेनेशा, विच टू सम एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड जॉफरी चाउसर्स पोइट्री, क्योंकि इसी की इन्फ्लुएंस की वजह से जॉफरी चाउसर की पोइट्री इज सेकुलर एंड ह्यूमनिस्टिक इन स्पिरिट। द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ चौसर प्रोड्यूस्ड इन एमुलेशन ऑफ द इटालियन मास्टर्स, दीज वर्क्स आर द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे एंड द लीजेंड ऑफ गुडविन। जो द हाउस ऑफ फेम है, इट इज एन अनफिनिश्ड लॉन्ग पोएम, प्रोबेबली रिटन इन 1374 एंड 1385। इसमें लगभग 2005 लाइंस के आसपास हैं और इट इज कंपोज इन थ्री बुक्स एंड इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम विजन। राइटर सपने में खो जाता है एंड देन ही हैज नैरेटेड द स्टोरी। ये पोइम भी ऑक्टोसिलेबिक कॉम्प्लेक्स में लिखी गई है और ये दांते की डिवाइन कॉमेडी से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जॉफरी चौसर का, द लीजेंड ऑफ गुडविन। इट इज ऑल्सो एन अनफिनिश्ड पोइम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम विजन। द पोइम इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क इन इंग्लिश टू यूज द आयम्बिक पेंटामीटर। इस पोइम में पहली बार जॉफरी चौसर आयम्बिक पेंटामीटर का यूज करते हैं। पहले वो ऑक्टोसिलेबिक कॉम्प्लेक्स का यूज करते थे, इसमें डेकासिलेबिक 10 सिलेबल्स होते हैं पोइट्री की एक लाइन, जो कि बाद में हीरोइक कपलेट के रूप में कहा गया था। और ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि हीरोइक कपलेट का यूज सबसे पहले जॉफरी चौसर ने किस वर्क में किया था। सो द आंसर इज द लेजेंड ऑफ गुडविन। ओरिजिनली द ऑथर प्लान टू कंटेन 19 टेल्स ऑफ वर्कियस विमन ऑफ एंटिक्विटी इन दिस पोइम, बट इन द एक्सटेंट वॉल्यूम इट कंसिस्ट ऑफ 8 अकम्प्लिश टेल्स एंड 9th ओनली बिगन। शुरुआत में चौसर का प्लान था द लेजेंड ऑफ गुड वीमन में कि 19 वर्चुअस वीमन जो हैं पास्ट की उनका जिक्र किया जाए, लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं और ये अनफिनिश्ड पोएम है तो केवल 8 वीमन का जिक्र है और 9th जो है वो केवल बिगन है, उसके बाद कंप्लीट नहीं। दिस पोएम इज कॉन्स्पिकुअस फॉर इट्स मास्टरली नैरेटिव, पार्टिकुलरली इन द पोर्शन डीलिंग विद क्लियोपेट्रा। एंड यू नो क्लियोपेट्रा वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ इजिप्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जॉफरी चौसर का, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे। इट इज एन एपिक पोएम इन मिडिल इंग्लिश विच रीटेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द लवर्स, और दोनों लवर्स का नेम रहता है ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे। दिस स्टोरी हैज बीन सेट अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ वॉर ड्यूरिंग द सीज ऑफ ट्रॉय। इट वॉज कंपोज यूजिंग रायन रॉयल, इसमें जॉफरी चौसर ने रायन रॉयल का यूज किया है। एंड प्रोबेबली इट वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मिड 1380s। चौसर जब ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे लिखा था तो ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द बुक एस यूज फिलोस्टैटो, उसका इंप्रेशन देखने को मिलता है इस पोएम में। द लास्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है इस पीरियड का वो है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इसका जो मॉडर्नाइज वर्जन है वहां इसका नाम लिखा गया है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, FOWLS। दिस पोइम इज मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 700 लाइंस। इन इट्स ओपनिंग सेक्शन इट डिस्क्राइब्स हाउ द नैरेटर फॉल्स एसली, ये भी एक ड्रीम विजन है, और वाइल रीडिंग सिसरोज द ड्रीम ऑफ सीपियो। सिसरो जो थे ही वॉज अ रोमन फिलोसोफर, और उसके बाद जो नैरेटर है वो सो जाता है ड्रीम विजन में एंड ही ड्रीम्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ वर्ड्स। सो फाउल्स रिफर्स टू वर्ड्स, इट इज नॉट फूल्स। इट डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गैदर टुगेदर इन द अर्ली स्प्रिंग, और वो डे जो रहता है सेंट वैलेंटाइंस डे रहता है, एंड द वर्ड्स गैदर देयर इन ग्रुप टू चूज देयर मेट्स फॉर द ईयर। दिस पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम विजन और रिटन इन रायमा रॉयला।
जो लास्ट पीरियड है जॉफरी चाउसर का, उनकी राइटिंग का, दैट इज करेक्टराइज्ड एज इंग्लिश पीरियड, जो कि 1384 के बाद का है। इन दिस पीरियड जॉफरी चाउसर बिकम्स मोर इंडिपेंडेंट, रिलाइंग अपॉन हिमसेल्फ इंटायरली। हालांकि इन्फ्लुएंसेस बने रहते हैं इटालियन और फ्रेंच के, बट नाउ ही ब्रेक्स फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द पास्ट। ही इज मोर ओरिजिनल एंड डिमॉन्स्ट्रेट्स परफेक्शन इन डिस्क्रिप्शन, नरेशन एंड करेक्टराइजेशन। ही ऑल्सो बिकम्स अ मास्टर वर्सिफायर। ही पोर्स आउट ह्यूमर इन एबंडेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इस पीरियड का वो है द कैंटरबरी टेल्स, एंड इट इज द ग्लोरियस अचीवमेंट ऑफ द इंग्लिश पीरियड। द जनरल प्लान ऑफ दिस वर्क इज बोरोड फ्रॉम बुक एस ये वॉज डेकामेरन, उससे इंस्पायर्ड है। द कैंटरबरी टेल्स इज ए कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज दैट रन्स टू ओवर 17,000 लाइन्स, और इट वॉज रिटन बिटवीन 1387 एंड 1400। तो टेल्स हैं मोस्टली वर्स फॉर्म में हैं, कुछ हालांकि प्रोज फॉर्म में भी हैं। दे आर प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट बाई अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स। आप जानते हैं कि बहुत सारे तीर्थयात्री जो लंदन से जा रहे होते हैं कैंटरबरी के लिए, सेंट थॉमस बकेट की श्राइन पर पूजा करने के लिए, जो कि कैंटरबरी कैथीड्रल में है। और वो सारे लोग एक आपस में प्लान बनाते हैं कि जो भी स्टोरी सुनाएगा, हर व्यक्ति को दो स्टोरीज सुनानी थी वन साइड से और दो रिटर्निंग, और जिसकी स्टोरी द बेस्ट होगी इस कॉन्टेस्ट में उसको हम सब की तरफ से एक फ्री मील दिया जाएगा टवर्ड इन में, जो कि साउथ वॉर्क में थी वापस आने पर। ऐसा प्लानिंग रहता है। जब हम प्रोलॉग को रीड करते हैं कैंटरबरी टेल्स के, तो हमें पता लगता है कि इन टोटल देयर वर 30 पिलग्रिम्स। अगर 30 पिलग्रिम्स थे, फोर स्टोरीज के हिसाब से टोटल हो जाता है 120 स्टोरीज का। लेकिन ये वर्क इनकम्प्लीट रहता है और इसमें केवल 24 स्टोरीज हैं। इट मीन्स द कैंटरबरी टेल्स इज ऑल्सो एन अनफिनिश्ड वर्क ऑफ जॉफरी चाउसर, बट द बेस्ट ऑफ हिज वर्क। द कैंटरबरी टेल्स का फुल डिस्क्रिप्शन लेकर, इसकी पूरी कहानी लेकर, इसके सारे करेक्टर्स के बारे में डिस्क्राइब करते हुए मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर बनाऊंगा। अब मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। आपने देखा बहुत अच्छे से कि जॉफरी चाउसर इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी टेलर एंड द फर्स्ट इंग्लिश मॉडर्न पोइट। जो पॉपुलर लिटरेचर था चाउसर की एज तक, वो मेनली गॉड्स के बारे में, हीरोज के बारे में लिखा जाता था। बट द फर्स्ट टाइम चौसर अटेम्प्टेड द न्यू रियलिस्टिक टास्क ऑफ पोर्ट्रेइंग मैन एंड वीमन एज दे वर एंड टू डिस्क्राइब देम सो दैट द रीडर्स कुड रिकॉग्नाइज देम एज देयर ओन एकाउंटेंसेस। चौसर इज द रियल मास्टर इन मिडिवल इंग्लिश पोइट्री। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, केवल शेक्सपियर ही ऐसे हैं जिनको चौसर के साथ कंपेयर किया जाता है एज फार एज करेक्टराइजेशन इज कंसर्न। हैंस माई डियर फ्रेंड्स, जॉफरी चाउसर इज रियली द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।